फिर इधर कटिंग कर नहीं आ रहे। नितिन जी ने कहा हमें कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो चलो उधर हो गया कटिंग। अभी ये कटिंग क्या यार तू बीमार पड़ गया, 1:30 बजे आने वाला था। अच्छा भाई तुम्हारी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, मेरी दुआ है बस। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ बस सेहत अच्छी बनाए रखो, काम करो। थैंक यू बेटा। माचिस माचिस चालू रखो, चालू लाइटर ला सो। कहाँ से लेके आओ फुल फैन? अभी फेंकते थे दो लोग। है क्या माचिस है? ला माचिस, फिर माचिस ले ला ला। अनु इधर ही है ना, ये बुझाएगा ये। ए वो थोड़ा धुआं दे रखो, चालू है। अमीर भाई आपको दूर नहीं रहना है। अरे जा रहे हैं, मैं मोबाइल ले लूंगा। अमर भाई इधर आ जाओ, चलो दोनों साथ में करो। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैं हैप्पी बर्थडे। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार में जो सबसे वडिल है उन व्यक्ति का आज बर्थडे है, 75th बर्थडे है, प्लैटिनम जुबली हो गई है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सबकी यही दुआ है, भगवान से प्रार्थना है, दर्शकों से भी प्रार्थना है कि आप हमें इसी तरह से प्यार करते रहे और आप जल्दी से सेंचुरी पूरी करें। हाँ, सेंचुरी भी तारक मेहता के सेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही पूरी होगी सेंचुरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं रट्टू काका, ऐसे ही जियो, हजारों साल जियो, बार बार ये दिन आए। उल्टा उल्टा ज्यादा, उल्टा ज्यादा। और होपफुली कि अगले 25 साल में, मतलब जब तक ये एक सेंचुरी पूरी करते हैं, इनकी पगार बढ़ जाए। बढ़ेगी, तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ। बस बस बढ़ेगी। आप बोलेंगे कुछ पोपटलाल जी? पोपट भाई, नट्टू काका का ऐसा है कि हर साल वो और यंग होते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते 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 हैं, वैसे वैसे मतलब इनका जो यूथ है वो वैसे का वैसा बरकरार रहे, इनकी तबीयत बहुत अच्छी रहे। हमारा पूरा जो परिवार है तारक मेहता का, उनकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसे भिड़े भाई ने कहा कि उनकी 100th बर्थडे सेलिब्रेशन हम तारक मेहता के सेट पर सब साथ में करेंगे। सो वंस अगेन होपफुली तुम्हारी पत्नी के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस पोपट के साथ मेरी पगार बढ़ेगी और आपकी शादी भी हो जाएगी जरूर। तारक मेहता में हो जाएगी। तारक मेहता हो जाएगी मतलब तारक मेहता में ही होनी है। तारक मेहता में होनी है तो इस बात पे हो जाए। 1 2 3 तुम जियो हजारों साल, साल के जियो 50,000। हमारे डायरेक्टर हर्षद जोशी जी दो शब्द बोलिए।
हाँ, और ये भी बोलिए कि आज हमारे जो अनूप जी है, अनूप जी का भी आज इनका भी आज बर्थडे है, इतने साल से ये भी हमें चमका रहे, चमका रहे। और हमारे सोडी भाई का भी आज बर्थडे होता है, आज वो नहीं है लेकिन मतलब यहाँ नहीं है लेकिन उनका भी होता है। और हमारे हाथी भाई जो आजाद भाई जी महाराज, उनका भी आज बर्थडे है, तो उनकी 12 मई तारक मेहता परिवार के लिए बहुत महत्व की है, क्योंकि तीन लोगों का, चार लोगों का बर्थडे, नट्टू काका, सोडी भाई, आजाद भाई का बर्थडे था और अनूप का बर्थडे, तो चार लोगों का बर्थडे 12 मई को है। हमारे डायरेक्टर डे को हम बर्थडे के तरीके से मनाते हैं, बर्थडे डे। अर्षद भाई थैंक यू, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी ये 15वीं केक कटती है आसिफ मोदी के सेट पे। 11 साल पूरा होगा, 12वां बैठेगा, उससे पहले सारथी में था मैं, तो 60वीं जब मेरी बर्थडे हुई तो वहाँ केक कटी थी, तो कंटिन्यूस आज 15वीं केक कट रही है। वाह क्या बात, क्या बात है। इसलिए मैं निर्माता आसिफ मोदी का बहुत आभारी हूँ, हमारे सभी कलाकार भिड़े साहब, माधवी जी, पोपट जी, अपने दिशा जी, कोमल जी, हाथी भाई, सब है, हमारे सेठ जी, हमारे सेठ जी जो पगा नहीं बढ़ाते तो भागा, और भागा मेरा भागा, ये मेरा पूरा कुटुंब भाई, मेरे कुटुंब से भी ये लोग ज्यादा है, इनका प्रेम मुझ पर इतना है कि 4 दिन 12 दिन नहीं मिले ना तो खुशी नहीं होती है, घर में सोना लगता है। तो ये है हमारा प्रेम। हमारे अर्षद जी डायरेक्टर अच्छे हैं, दूसरे डायरेक्टर मालव राजड़ा, हमारे कैमरा मैन आमिर भाई कहाँ है, आमिर भाई कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं हमेशा, हमें कैमरे में चमकाते हैं, हमारे साउंड रिकॉर्डिंग कहाँ है भाई, शकील भाई इधर ही है बस, इतना अच्छा ग्रुप है हमारा, हम लोग भाई बहन की तरह रहते हैं और बहुत प्यार मिलता है, भगवान करे ये सीरियल चलती ही रहे, सबका भला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए आप लोग भी केक खाइए, अभी सबको आगे मत जाना, जूम कर लेना, जूम आने कैमरे में आगे मत, कैमरा थोड़ा पीछे लेना है, कैमरा आगे बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, क्या बात, क्या बात, कोई बुरा नहीं है, स्वभाव मेरा रंगीला है, घनश्याम यानी कृष्ण, नटखट नहीं हूँ, नटखट करने लियो तो वो नटखट हूँ मैं, अगर साफ सुथरा आदमी हूँ, ईश्वर की दया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को, कि आप भी सामना कीजिए कठिनाइयों का, हिम्मत मत हारिए, बी पॉजिटिव, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं लेकिन बी पॉजिटिव, हंसते रहिए। चलिए एक लास्ट सवाल, क्योंकि सूरज जी का भी आज बर्थडे है, शायद जख्मी और आपके सबसे क्लोज हैं सीरियल में जेठालाल और दया बहन, वो भी गायब हैं, तो कब तक मतलब हमें जेठालाल की तो आप बात ही मत कीजिए, वो तो मेरे गुरु जैसा आदमी है, भले मेरा छोटा भाई है मगर उम्र में छोटा है, मगर बहुत उम्दा कलाकार, उम्दा आदमी, भगवान का आदमी, पूरे ग्रुप कमेंट में हमारी कोई कलाकार को कमेंट तो है ही नहीं, बड़ा ऊंचे में ही और वेयर आर्ट है, इसलिए तो ये सीरियल सबको पसंद है, बहुत खुश है। बाका बावली सब किस किस का पता हमने बोला, केस आर्टिस्ट का भूल भी जाता हूँ लेकिन सब दिल में है, दिल से मैं किसको निकालना है, सबको मैं प्यार करता हूँ। थैंक यू, बस भगवान के दिन, भगवान की दया से हर एक के दिल में ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा हमारे ग्रुप में प्यार है, हमारे निर्माता आसिफ मोदी, हमारे डायरेक्टर हर्षद जोशी, मालव राजड़ा, सभी कलाकार, हमारे पोपटलाल जी, श्याम पाठक, भेड़े, मंदार, आईआर, बाघा,
30 कलाकार हैं, मेन कलाकार किस किस का मैं नाम लूँ, लेकिन बहुत प्यार है, बहुत प्यार है हमारा फैमिली, वी आर ऑल फैमिली मेंबर, ऐसा प्यार हमने कोई ग्रुप में नहीं देखा। हमारे सेट पर ऐसा नहीं है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मतलब ऐसा है कि हमने पहले से ये प्रथा रखी है कि यूनिट के किसी भी मेंबर का अगर बर्थडे हो तो, और अगर हम शूट कर रहे हैं तो हम केक ज़रूर काटते हैं से एक, और बिल्कुल बाकायदा साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज का ही दिन है 12 मई, हमारी यूनिट के 4 मेंबर्स का बर्थडे है, नट्टू काका का बर्थडे है, सोडी भाई का है, हाथी भाई जो पहले मतलब आज़ाद भाई थे उनका बर्थडे, और हमारे जो मेकअप मैन है अनूप उनका बर्थडे है, तो उनकी सबकी मतलब यहाँ पर केक कटिंग हुई। और ये जो अभी 11 साल की हमारी जर्नी रही है उसमें कुछ ऐसा सा माहौल बन गया, ऐसा सा ये हो गया है कि हम मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गए हैं, ज़्यादा वक्त हम सेट पर बिताते हैं, घर से ज़्यादा वक्त। और आज खास मौका इसलिए भी है क्योंकि घनश्याम भाई का 75th बर्थडे है, और बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी हेल्थ इसी तरह अच्छी रहे, वो हंसते खेलते रहे, हमें हंसाते रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और इनका जो 100th बर्थडे है वो बहुत जल्द हम सब साथ में मिलकर तारक मेहता के सेट पर सेलिब्रेट करें, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई स्पेशल बर्थडे? मेरे ख्याल से इनका हर बर्थडे स्पेशल है, और रादर मैं तो कहूँगा कि हर दिन स्पेशल है, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो सेट पर एक अलग खुशी छा जाती है, जिस तरह से सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं, हम घंटों घंटों साथ में रहते हैं, और इनसे बहुत कुछ, इनके एक्सपीरियंसेस जब ये शेयर करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि इनकी जर्नी कैसी रही, इनका स्ट्रगल कैसा रहा। तो अपने आप में मेरे ख्याल से हर दिन जब ये शूट पर होते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और वी स्पेंड रियली वेरी गुड टाइम विद ईच अदर। सोडी भाई की इस वक्त अभी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, वरना तो वो खुद भी होते हैं यहाँ पर। दूसरा सेट पर ही होते, चुनाव का दिन है और वो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में भी चुनाव है, तो बोले मैं मत तो दूंगा ही, मताधिकार मेरा जन्म सिद्ध हक है, तो देखे देश के प्रति उनकी कितनी भक्ति है। आज वो इधर भी है, वोट देने भी जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे, तो ये हमारे कलाकार हैं। ये मेरा बेटा है विकास नायक, वो भी तारक मेहता के उल्टा में कभी कभी रोल करने आता है। बाहर की लाइफ में मेरे मित्र रहने चाहिए, मित्रों के बगैर मैं नहीं रह सकता। ये है शैलेश शैलेंद्र भाई, मेरे उनके घर में एक रात को जाता हूँ, घंटा बैठता हूँ। दूसरे हमारे एक जोगी है अजीत जोगी, ये दोनों दोस्त हैं मेरे। एक अच्छे दोस्त है भावसार जसवंत भाई, वो गुजर गए तो दोस्तों के बिना जिंदगी नहीं कटती, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर दोस्तों के साथ रहो, हंसते रहो, खुश रहो, सबका बन के रहो, नॉर्मल आदमी बन के रहो। हमारे ग्रुप में यही है, सब नॉर्मल है, किसी को घमंड नहीं है। थैंक यू। मैं बस यही कहूँगा आपके माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को कि आपने पिछले 11 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा को जिस तरह से प्यार दिया है, उसी तरह अपना प्यार देते रहे। आने वाली जितनी भी अभी स्टोरीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। और बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि नट्टू काका का जो 100th बर्थडे है, हम ज़रूर तारक मेहता के सेट पर सेलिब्रेट करेंगे मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, आज सबसे बड़े बच्चे का बर्थडे हमारे यहाँ पे 75 साल का हो गया है बच्चा घनश्याम नायक जी, नट्टू काका जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी हेल्थ को वो बरकरार रखे, ऐसे ही उनमें उत्साह की कभी कमी ना हो, और उनके आशीर्वाद हम पे यूं ही बने रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हर साल हम लोग का ऐसे ही होता है, टेक्नीशियन का बर्थडे हो या आर्टिस्ट का बर्थडे हो, एक ही नज़र से देखा जाता है, सबके लिए सेम केक कटिंग होती है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होते, क्योंकि आज इसका बर्थडे तो इसका अलग से, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सभी का, राइट फ्रॉम स्पॉट बॉय टू आर्टिस्ट, सबके केक हमें यहाँ पे कट होते हैं, क्योंकि हर एक यहाँ पे कोई ऐसे ऊंचा बड़ा नीचा नहीं है, हर कोई अपना काम कर रहा है। अगर हमें आर्टिस्ट हो तो वो स्पॉट बॉय है, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जी बिल्कुल, आज उनका शूटिंग नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए, तो हमने उनसे फ़ोन पे बात की, केक साथ में केक कटिंग भी किया, उनको फ़ोन पे रख के हमने फोन केक कटिंग किया, तो हमारी तरफ से पूरी तारक मेहता की तरफ से मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको भी बेस्ट विशेस फॉर हिज गुड हेल्थ। जी
बस यही जानना चाहेंगे आप मीडिया की ओर से कि वो कब आना जाए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले खबर पहुंच जाती है। जनता भी यही जानना चाहती है, मैं भी जनता ही हूँ भाई, मैं भी जनता ही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि हमारी दया भी कब आ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आएगी। यस, फैंस को आज के मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जहाँ पे सभी माओं को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मदर्स डे तो एक बहाना है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ को तो हर रोज़ याद किया जाना चाहिए। सेवेंटी फिफ्थ बर्थडे तो कहने के लिए है, मैं तो कहती हूँ कि बहुत यंगेस्ट है, बहुत यंग है वो, बहुत यंग है वो, दिल से यंग होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है नट्टू काका एक्चुअली वैसे है, बहुत नटखट है, रोमांटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मतलब एक एक सीखने जैसी बात है उनमें, कि जो सबसे मिलना है सेट पे आने के बाद, सबको आशीर्वाद देना है, सबसे बहुत अच्छे से पूछना है सबकी, एक जो होता है कि जैसे फादरली फिगर जो कोई होते हैं व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो कैसे सबसे पूछते कैसा है हाल वाल, तो इस तरीके से वो हमेशा मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक्चुअली माधवी और नट्टू काका का कोई कनेक्शन नहीं है सीरियल में, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोगों ने नहीं काम किया है, तो वो हाँ हाँ वो तो बहुत प्यार करते हैं सबसे, इतना प्यार करते हैं वो, तो बहुत अच्छी बात है और सीखने जैसी बात है। मुझे लगता है यही तो तारक मेहता की यूएसपी है, मतलब ऑन स्क्रीन हम लोग जो दिखाते हैं लोगों को कि एक यूनिटी होना, एक प्यार होना एक दूसरे के प्रति, तो वही ऑफ स्क्रीन भी हम लोगों का वैसे ही बना है, तो मुझे लगता है यही है जो ऑन स्क्रीन दिखता है वही उसकी यूएसपी भी वही है, उसका राज भी वही है, कि ऑफ स्क्रीन भी हम लोग उतना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का जो भी सुख है दुख है वो सब एक दूसरे के लिए बांटते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखने में आती है, तो मुझे लगता है यही है। अभी आज देखिए नट्टू काका का कोई एक्चुअली आज शूट भी नहीं है, लेकिन वो खास इनके बुलाने पर वो आए, केक कटिंग किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये 75 एज में वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं, तो ये बहुत मतलब कितना प्यार है एक दूसरे का, और प्रोडक्शन ने भी बुलाया यहाँ, केक कटिंग किया, ऐसा नहीं कि उनका जब शूट हो देख लेंगे, आज अगर है उनका बर्थडे है तो केक कटिंग कर लो, ये नहीं है, वो दिल से चाहते हैं लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे। बिल्कुल इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है नागरिक के तौर पे, और वो निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे दुआएं, हमारे ब्लेसिंग्स, हमारे विशेस उसके साथ है, फ़ोन कर चुके हम लोग, स्पीकर के ऊपर लगा के हम लोगों ने सबने बात की है, तो ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग हिज बर्थडे देयर, तो बस मज़े कर रहे हैं। नहीं मुझे पता नहीं है एक्चुअली, भगवान की इच्छा हो तब वो सब अच्छा ही होगा, तो काम करते रहो, वो आए तो हम लोग तो वेट कर ही रहे हैं, वी आर मिसिंग हर, बट हम लोग वेट कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन, जैसे लोगों के दिल में आशंका है जो भी है, वो वैसे भी हम लोग भी उसी सिचुएशन में है, तो देखते हैं। सब मदर्स को, सब मम्मियों को, सब माओं को, सब आई को हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू।